लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज बीजेपी दक्षिण भारतीय सेल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नई मुंबई के मेडिकल कर्मियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दक्षिण भारतीय सेल के अध्यक्ष शशि दामोदरन की पहल पर क्रिस्टल हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में लोक नेता गणेश नाइक के हाथों दर्जनों डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। गणेश नाइक ने कहा कि कोरोना काल में इन स्वास्थ्य कर्मियों ने अहम भूमिका निभाने का काम किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी गुणगान करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नई मुंबई के दर्जनों डॉक्टरों और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर क्रिस्टल हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने इन स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम बीजेपी दक्षिण भारतीय सेल के संयोजक शशि दामोदरन की पहल पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि कोरोना काल में ऐसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ऐसे सेवा कर्मियों को सम्मानित करने से अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज के इस शुभ अवसर पर शशि दामोदर के नेतृत्व में यहाँ पे जो साउथ इंडियन सेल, जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु के चार राज्य के लोग हैं, कई अपने सिटी लेवल के लोग हैं, तहसील लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के लोग हैं, वो लोगों ने सही दिन में अच्छे काम के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय का सम्मान किया। मैंने निगरानी से देखा कि इस शहर के जो रिनाउंड हॉस्पिटल है, आई विल नॉट नेम एनीबडी, ये सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस और वार्ड बॉय उधर आए थे। शशि ने बुलाने के बाद में सभी लोग आ गए और मेरे हाथ से उनका सम्मान किया, तो मैं मेरा भी एक भाग्य समझता हूँ कि योद्धा लोगों का सम्मान मेरे हाथ से हुआ। आगे चल के ये साउथ इंडियन सेल के माध्यम से और समाज की सेवा हो जाएगी, ऐसे उम्मीद करता हूँ। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करने वाले बीजेपी दक्षिण भारतीय सेल के संयोजक शशि दामोदरन ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन काल में जब लोग डर कर घरों में बैठे थे, तब डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी। उनके इसी योगदान को सम्मानित करने के लिए यह कार्यक्रम तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हर इलाके में होते रहेंगे। जो काम डॉक्टर नर्स ने जो किया है, मुझे लगता है कि ये सैल्यूट के काबिल है। आज आप और हम आपस में बात इसके लिए कर पा रहा है कि उन्होंने जो काम किया, लोगों का सेवा किया, लोगों का जान बचाया, तो ये हमारे अपने फ़र्ज़ है, पर्सनल फ़र्ज़ है, हमारे टीम का फ़र्ज़ है कि उन्हें ऑनर करें, तो कि आगे कभी भी ऐसा होगा तो डॉक्टर लोगों को भी, नर्स लोगों के भी, उनके स्टाफ को एक जोश आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों साउथ इंडियन सेल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ने डिसाइड किया कि हमें कम से कम पहला जो हमारा शुरुआत यहाँ नवी मुंबई से हो, इसके बाद हम लोग अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में करने वाला है, जैसे कि थाना में करने वाला है, कल्याण डोंबिवली उल्लासनगर में करने वाला है, पनवेल में करने वाला है, वसाई विहार में करने वाला है। तो इस तरह हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर को कुछ ना कुछ तो एक ऑनर फील होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट पब्लिक रियलाइज़ किया कि उनका जो काम को हम लोग रिकग्नाइज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।